सो कुछ टाइम पहले मैंने दो चाइनीज ब्रशेस लिए थे, सो आज मैं उनको यूज करके दिखाने वाला हूं। इनकी लेंथ मुझे अच्छी लगी, इनके हेयर्स थोड़े ज्यादा हैं, जिनके वजह से वाटर कलर के लिए बहुत अच्छे से यूज हो जाते हैं। एंड दिस वन इज सेकंड वन, ये उससे कम नंबर वाला ब्रश है, इसके हेयर भी पॉइंटेड है, यहाँ कुछ चाइनीज में लिखा है। सो अगर मैं कंपैरिजन करूं तो ये वो ब्रश है जिसे मैं पहले से यूज कर रहा हूं, दिस इज द न्यू वन। सो अगर हम डिफरेंस देखें तो मैं इसमें ये दिखा सकता हूं, ये वाटर कलर ब्रश जिसे मैं यूज कर रहा था उसकी पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी थोड़ी कम है, जैसे एक डिप में मैं देख रहा हूं कि ये कितना लंबा चलता है, जैसे कि एक टाइम बाद इसका वाटर खत्म हो जाता है, इस वजह से हमें इसे ज्यादा से ज्यादा डिप करना पड़ता है। एंड इसी के साथ अगर हम देखें कि चाइनीज ब्रश जो है वो एक ही डिप में काफी अच्छा चल जाता है, जैसे कि इसने पूरे कटआउट पेपर शीट पे वाटर पूरे अच्छे से फिल कर दिया। तो ये चाइनीज ब्रश एक तरीके से वेट एंड वेट टेक्निक के लिए बहुत ही बढ़िया है, वैसे इन ब्रशेस से भी काम किया जा सकता है, लेकिन चाइनीज ब्रशेस कुछ टेक्निक्स में काफी अच्छा काम करते हैं। सो जैसे कि मैं इससे एक पोर्ट्रेट बना रहा हूं, सो इससे छोटे से स्पेस में भी बहुत अच्छे से पेंट कर सकते हैं, एंड बड़े एरिया में भी हम इसे यूज कर सकते हैं क्योंकि पानी ज्यादा होल्ड कर सकता है। चलो नेक्स्ट वीडियो में इसी से एक पोर्ट्रेट बनाया जाए। सो चलो सीधा वहीं मिलते हैं।